फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सके हमारे लेटेस्ट वीडियो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पाइथन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बिगिनर्स। आई एम गौतम फ्रॉम WS Cube Tech। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पाइथन ओप्स कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था क्लास क्या होती है और क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्लास को कैसे कॉल करते हैं, यानी हाउ टू कॉल अ क्लास। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी क्लास को कॉल करनी है तो हमें उसका क्या बनाना होगा, एक इंस्टेंट बनाना होगा। और साथ ही साथ अगर मुझे क्लास के किसी वेरिएबल को या फंक्शन को कॉल करना होगा तो उसके लिए क्या यूज में लेना होगा, मुझे डॉट नोटेशन यूज में लेना होगा। सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम था मेरा माई क्लास। उसके अंदर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया इक्वल टू 10। अब मैं क्या करूंगा, उस क्लास का एक इंस्टेंट बनाऊंगा या एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो कि क्या मेरा ओ भी है। अब अगर मुझे इस ए को कॉल करवाना है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट डॉट ए, यानी डॉट क्या काम कर रहा है, इस क्लास के अंदर जाना है और इस क्लास के इस वेरिएबल को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो आउटपुट में क्या आएगा, मेरा 10। अब हम इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई, क्लास जिसका नाम लिखा मैंने माई क्लास। फिर उसके अंदर एक वेरिएबल लिया ए इक्वल टू, मैंने दिया सपोज 10। देन मैंने सबसे पहले क्या किया, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया वो भी इक्वल टू My class। अब अगर मुझे इस A को कॉल करवाना है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे डॉट नोटेशन यूज में लेना होगा। देन मैंने यहाँ ओ बी लिखा फिर डॉट A, जहां A मेरा इस क्लास का एक वेरिएबल है। अब मैं क्या करूंगा, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाऊंगा। तो मैंने लिखा पाइथन 3 बेसिक डॉट पी वाई, और आउटपुट में क्या है, मेरे पास 10 आया। सपोज मैं एक और वेरिएबल ले ला, वी इक्वल्स टू WS क्यूब टेक, WS Cube Tech। अब अगर मुझे WS Cube Tech यूज में लेना होता तो मैं क्या लिखता, प्रिंट ob डॉट v। तो जैसे इसको एग्जीक्यूट करवाता, आउटपुट क्या आता मेरा पास 10, वो था a के लिए, और v के अंदर क्या था मेरा WS Cube Tech। तो ये तो था हम क्लास को कैसे कॉल करवाते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि हम क्लास के एट्रीब्यूट्स को भी कैसे कॉल करवा सकते हैं, और एट्रीब्यूट करवाने के लिए हमें क्या यूज में लेना होगा, हमेशा डॉट डिनोटेशन यूज में लेना होगा। अब हम बात करते हैं attributes and method in class। Functionalities can be defined by setting various attributes which act as a container for data and function related to those attributes। हमारी जो क्लास होती है वो क्या करती है, एट्रीब्यूट्स और मेथड को स्टोर करवाने का काम करती है। यानी जो क्लास होती है वो क्या करता है, वो एक तरह का कंटेनर होता है जो कि वेरिएबल स्टोर करवाता है, फंक्शन स्टोर करवाता है, मेथड स्टोर करवाता है, एट्रीब्यूट्स को क्या करवाता है, स्टोर करवाता है। फंक्शन इन पाइथन आर कॉल्ड एज मेथड, यानी वो फंक्शन मेथड कहलाएंगे जो कि एक क्लास के अंदर डिफाइन हो। मान लो मेरे पास एक क्लास है माई क्लास, और उसके अंदर मैंने एक फंक्शन कॉल करवा रखा है अटेंडेंस, तो वो अटेंडेंस जो है फंक्शन है वो मेरा मेथड कहलाएगा क्योंकि वो क्या है, एक क्लास के अंदर अवेलेबल है। हम आने वाले लेक्चर के अंदर इनिट मेथड को भी पढ़ेंगे जो कि एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो क्या करता है, नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवाता है उस क्लास के इंस्टेंट के तौर पे। तो ये तो था मेरा मेथड्स क्या होता है और एट्रीब्यूट्स क्या होता है। अब मैंने क्या किया, एक क्लास क्रिएट की जिसका नाम है मेरा माई क्लास। उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स इक्वल टू 10। देन मैंने एक मेथड क्रिएट किया डेफ। अब मुझे पता है मेथड क्या होता है, क्लास के अंदर बने हुए फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेथड्स बोलते हैं। देन मैंने एक मेथड बनाया चेंज अंडरस्कोर क्लास। जब भी हम एक फंक्शन को एक क्लास के अंदर कॉल करवाते हैं तो उसके अंदर हमेशा एक पैरामीटर पास होता है, वो होता है सेल्फ। यानी ये मैंडेटरी होता है, आपको एक सेल्फ पैरामीटर पास करना होता है मेथड्स के अंदर, जबकि फंक्शन में मैंडेटरी नहीं होता है। और उसके अंदर पास करवाया मैंने न्यू अंडरस्कोर एक्स, यानी ये मेरा पुराना एक्स होगा और ये क्या होगा, अब इस क्लास के अंदर जो भी एक्स आएगा वो होगा मेरा नया एक्स। और देन मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट एक्स, ये एक्स क्या हो जाएगा, इस एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया मेरी क्लास का, फिर मैंने क्या करवाया, इस एक्स को प्रिंट करवाया। देन मैंने यहाँ क्या लिखा, न्यू अंडरस्कोर माई क्लास डॉट एक्स, तो इस एक्स को हमने कॉल करवा दिया। देन मैंने क्या किया, जो मेरा ये चेंज मेथड था उसके अंदर मैंने क्या आर्ग्यूमेंट पास करवाया, 100 पास करवाया। मैंने यहाँ लिख न्यू अंडरस्कोर माई क्लास डॉट चेंज अंडरस्कोर क्लास, क्योंकि मुझे इसमें एक पैरामीटर पास करवाना होगा, तो मैंने यहाँ पे क्या पास करवाया, 100 पास करवाया। देन मैंने प्रिंट करवाया न्यू अंडरस्कोर माई क्लास डॉट एक्स। अब क्या होगा, इस जो एक्स की वैल्यू है वो न्यू एक्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी,
और जैसे इसका आउटपुट आएगा तो सबसे पहले मैंने जो ये x प्रिंट करा है उसकी तो वैल्यू 10 थी, बट जब मैंने इस मेथड के अंदर 100 पास किया तो उस x की वैल्यू चेंज हो गई, क्या हो गई मेरी 100 हो गई। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, इस फंक्शन की हेल्प से इस x की वैल्यू चेंज कर दी, सेल्फ डॉट x में क्या डाल दिया हमने, न्यू अंडरस्कोर x पास करवा दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्लास बनाई, क्लास माय क्लास, देन मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया x इक्वल टू 10। अब मैंने क्या किया, एक मेथड बनाया और उसका नाम लिख दिया न्यू अंडरस्कोर क्लास, और उसके अंदर पैरामीटर पास क्या होगा, हमेशा एक सेल्फ होगा और दूसरा मैंने डाल दिया न्यू अंडरस्कोर एक्स। अब मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू न्यू अंडरस्कोर एक्स, ये जो एक्स है इसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, मेरी न्यू अंडरस्कोर एक्स हो जाएगी। अब जो मेरी क्लास बनी है उसका अब मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन मैंने यहां लिखा ओबी इक्वल टू माई क्लास। अब मुझे इस एक्स को प्रिंट करवाना है, तब मैंने क्या लिखा, प्रिंट ओबी डॉट एक्स। अब मैं क्या करूंगा, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा, मेरा 10 आएगा। तो अब जैसे इसको एग्जीक्यूट करवाया तो आउटपुट में मेरा 10 आ गया। अब मैंने क्या किया, ओबी डॉट न्यू क्लास को कॉल करवाया, जो कि क्या है, इस माई क्लास का क्या है, एक मेथड है, और उसके अंदर मैंने पास करवाया 100। अब जैसे ही मैं प्रिंट करवाता हूं ओबी डॉट एक्स को, तो आउटपुट में क्या आएगा, मेरा अब 100 आएगा, क्योंकि ये जो x की वैल्यू क्या हो गई, वो मेरी चेंज हो गई। तो जैसे उसको प्रिंट करवाया तो आउटपुट में क्या आ गया, मेरा 100 आ गया। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, यहां पे अगर मैं ये लिख दूं WS क्यूब टैग, तो आउटपुट में क्या आएगा, मेरा WS क्यूब टैग आ जाएगा। तो ये तो था मेरे क्लास के एट्रीब्यूट्स को कैसे कॉल करवाना, और मेथड को कैसे कॉल करवाना, और मेथड को कैसे यूज में लेना। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर इन पाइथन। जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर का होना हमेशा कंपलसरी होता है। इफ यू वांट क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर इन पाइथन, देन वी यूज _init_ फंक्शन। इफ वी डोंट क्रिएट कंस्ट्रक्टर, देन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल कॉल्ड। यानी अगर पाइथन के किसी भी क्लास के अंदर मुझे एक कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो मुझे क्या करना होगा, _init_ फंक्शन कॉल करवाना होगा, तभी मैं क्या कर सकता हूं, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकता हूं पाइथन के अंदर। देन इन केस अगर मैंने वो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करवाया है तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। और ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा वो हर बार कॉल होगा अगर मेरी क्लास के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट किया है। तो मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई जिसका नाम रखा मैंने एम्प्लॉइज, और उसके अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल किया डेफ _init_ और उसके अंदर आर्गुमेंट पास कराया है सेल्फ, फर्स्ट, लास्ट और सैलरी। सेल के लिए क्या हो गया, मेरा सैलरी। देन मैंने लिखा सेल्फ डॉट एफ नेम इक्वल टू फर्स्ट, सेल्फ डॉट एल नेम इक्वल टू लास्ट, सेल्फ डॉट सेल इक्वल टू सेल। और अगर मुझे ईमेल आईडी बनानी है तो मैंने क्या लिखा यहां पे, सेल्फ डॉट ईमेल इक्वल टू फर्स्ट प्लस डॉट प्लस लास्ट प्लस WS Cube Tag, क्योंकि मेरी कंपनी क्या है यहाँ पे WS Cube Tag है, तो उसका जो मेल बनेगा वो उसका एंड किससे होगा, हमेशा WS Cube Tag से होगा। देन मैंने क्या किया, दो इंस्टेंट बनाए, सबसे पहले मैं लिखा EMP_1 और दूसरा था मेरा EMP_2। तो EMP_1 में मैंने क्या पास करवाया, एम्प्लॉयज, और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या क्या पास करवाया मैंने, IUC, जोहरी और उसकी सैलरी। देन एम्प्लॉय 2 में क्या क्या पास करवाया मैंने, टेस्ट एंड देन उसकी सैलरी। अब अगर मुझे ईमेल जनरेट करवाना है जो इंस्टेंट फर्स्ट का है उसका, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट EMP_1 और सेकेंड के लिए क्या होगा, EMP_2 तो इसका आउटपुट क्या आएगा, मेरा IUC.Jory@WSCubeTech और सेकेंड के लिए क्या आएगा, test.test@WSCubeTech। अब हम क्या करते हैं, इस कंस्ट्रक्टर का एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई, क्लास एम्प्लॉय के लिए क्या बना दी मैंने, ईएमपी। देन मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, या एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया init_init और उसके अंदर सबसे पहला तो मुझे पता आर्ग्यूमेंट क्या पास होगा, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो कि होता है मेरा सेल्फ। देन मैंने पास करवाया FIRST फर्स्ट, फिर मैंने पास करवाया लास्ट, और देन मैंने पास करवाया सैलरी। अब मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट एफ नेम इक्वल टू क्या हो गया मेरा, फर्स्ट। देन लिखा मैंने सेल्फ डॉट एल नेम यानी लास्ट नेम के जब क्या हो गया मेरा, इक्वल टू लास्ट। देन सेल्फ डॉट
सैलरी इक्वल टू क्या होगी मेरी सेल। अब अगर मुझे ईमेल क्रिएट करना है तो मैंने यहां लिखा सेल्फ डॉट ईमेल इक्वल टू क्या डाल दिया मैंने यहां पे, सबसे पहला आ जाएगा फर्स्ट, फिर प्लस, फिर एक स्ट्रिंग के तौर पे डॉट ले लिया मैंने, फिर देन प्लस, फिर यहां पे आ जाएगा लास्ट, फिर आ गया प्लस और स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा एट द रेट डब्ल्यू एस क्यू एट डॉट डॉट कॉम। अब अगर मैं इस फंक्शन का क्या करूं, अब मैं अगर इस फंक्शन को कॉल करूं तो मैं क्या करूंगा ई एम पी वन इक्वल टू ई एम पी, और सबसे पहले मैंने इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास किया, सबसे पहले मैंने लिखा यहां पे, मैंने यहां पे लिख दिया टेस्ट, फिर कॉमा, उसकी लास्ट नेम है वो लिख दिया मैंने टेस्ट और टेस्ट, और उसकी सैलरी क्या पास करवा दी मैंने यहां पे, मान लो ये सैलरी पास करवा दी। अब अगर मुझे कोई भी एलिमेंट प्रिंट करवाना, सपोज मुझे करवाना है ई एम पी डॉट ई मेल, तो ये मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, ई मेल लिख दूंगा। अब क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो जैसे इसको करवाया तो मेरा ई मेल एड्रेस आ गया। देन अगर मुझे अब प्रिंट करवानी है उसकी सैलरी, देन मैंने यहां पे लिखा उस क्लास का ऑब्जेक्ट, फिर डॉट और सैलरी वाला, और लिखा मैंने यहां पे सेल। तो जैसे इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा देन उसकी सैलरी भी मेरे पास आ जाएगी। देन मैंने क्या किया, प्रिंट करवाया उसका फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम कैसे करवाऊंगा मैं, ई एम पी वन डॉट एफ नेम, तो क्या हो गया मेरा ये एफ नेम हो जाएगा, जो कि क्या उसका फर्स्ट नेम हो जाएगा। तो ये पहला आ गया टेस्ट डॉट टेस्ट अंडरस्कोर एट द रेट डब्ल्यू एस क्यूब टेक डॉट, फिर उसकी सैलरी और उसका फर्स्ट नेम। तो ये तो था मेरा कंस्ट्रक्टर इन पाइथन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।